हमारे दुर्ग के विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की सेक्रेटरी श्रीमती निहारिका बारिक जी और आप सभी प्रेस के मित्रगण, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है और इस खुशी को आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश के लोगों तक और विशेषकर जो पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी निमित्त आज आप लोगों को यहां पर बुलाए हैं। सबको मालूम है कि पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्री भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है, उनके सिर में छत देने का योजना है जिसमें 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है वो इसीलिए जमा नहीं कि योजना में प्रधानमंत्री सब था और कहीं ना कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता, इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। और सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सबसे पहला काम 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, मोदी की गारंटी में भी ये है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। लेकिन ये आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस वित्तीय वर्ष में जो केंद्रांश छत्तीसगढ़ का था, चूंकि प्रदेश की सरकार राज्यांश जमा नहीं की थी इसलिए भारत सरकार ने उस पैसे को दूसरे राज्य में आवंटित कर दिया था। लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष आया 2024 और 25 का, तो कल ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कुल 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। और हम लोगों ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात की है तो इसमें 8,46,931 की स्वीकृति तो मिली है और इसमें एससीसीसी 2011 में से एससीसीसी 2011 जिस सूची के लोग
पिछले 5 साल में वंचित हो गए थे और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही वंचित हो गए थे, बाकी सभी प्रदेशों में SC/ST 2011 के सूची वाले प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित हो गए थे। लेकिन यहाँ की सरकार की निष्क्रियता के कारण या मतलब नहीं करवाने के कारण वंचित हो गए थे। तो आज जो हम लोगों को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है, उसमें से 6,99,331 प्रधानमंत्री आवास ये 2011 वाली सूची में से हैं, और बाकी 1,30,600 हाँ 1,47,600 ये जो आवास प्लस वाले हैं, आवास प्लस जिस प्रदेश ने SC/ST 2011 की सूची वालों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करवा दिया तो उनके यहाँ आवास प्लस भी शुरू हुआ। तो हमारे यहाँ तो SC/ST 2011 के लोग ही लाभ नहीं ले पाए थे तो आवास प्लस का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन आज एक साथ SC/ST 2011 का 6,99,331 और उसके साथ ही साथ 1,47,600 ये आवास प्लस वाले हैं जिनकी भी स्वीकृति छत्तीसगढ़ को मिली है। और बाकी पीएम जनमन योजना जो PVTG लोगों के लिए है, विशेष अनुसूचित जनजाति के लोग जो पति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जैसे कोरवा, बिरहोर, अबू जमाड़िया, पंडो, बैगा, इनके लिए जो पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं उसमें 24,064 ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, बहुत पूर्ण भी हो चुके हैं। और आप लोगों को भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव आया तो एक प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत किया था जिसमें 47,090 लोगों की स्वीकृति दी थी उन्होंने, और एक किस्त भी जारी किया था 25,000 का। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हुए उनको भी अपने आवास योजना में शामिल कर लिए हैं और दूसरी किस्त जारी कर दी और तीसरी किस्त भी उसमें जारी कर रहे हैं। तो ये उदारता हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन 47,090 लोगों के ऊपर में भी किया है। और पिछले जनवरी से लेकर ये अगस्त तक ये 8 महीने में 1,99,000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण जो कई अधूरे थे उसको भी पूर्ण कराने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इस तरह से कुल मिला के हम लोग आने वाले समय में जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात कही थी वो 18 लाख आवास गरीबों को हमारी सरकार देने के लिए वचनबद्ध है। और जो हमारे नियत नीलानार योजना के अंतर्गत जो जिले हैं, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और जो कांकेर का कुछ एरिया है जो